आतिश, कैसी लग रही हूँ मैं? जूली, एस्टिंग ऑपरेशन का कैमरा है, कोई यशराज की फिल्म का कैमरा नहीं जिसमें तुम कैटरीना कैफ दिखो। और वैसे भी तुम जैसी भी दिखो, इतना नर्वस मत दिखो, वरना हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा, समझी? यू नो व्हाट, एक तो मैं इतना बड़ा रिस्क उठा रही, ऊपर से तुम लोग मुझे ओके बेबी, आई एम सॉरी। बेबी मत बुलाओ मुझे, पहले तो तुम्हें बड़ा पसंद था। आतिश, पहले की बात कुछ और थी, अब हम सिर्फ कलीग्स हैं। ओ, कलीग्स, तो चले मिस कलीग, फिर चलते हैं हम, तुम्हारे अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। ओके, तुमने कैमरा का बैटरी एंड चिप सब अच्छे से चेक कर लिया है ना? अरे यार, ये मेरा पहला नहीं, आठवां एस्टिंग ऑपरेशन है, और तुम्हें वही करना है जो तुम हमेशा से करती हो। जैसे इस फार्म हाउस के अंदर जाओ, कोई भी लो हाइट की टेबल ढूंढो और इसे इस एंगल से रख। ठीक है? ओके। और माइक्रोफोन बहुत स्ट्रांग है, तो डिस्टेंस की टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके। मैं बाहर खड़ा हूँ, सब सुन रहा हूँ। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे एक आवाज़ दे देना। क्या कहोगी? आतिश। थोड़ा प्यार से बोलो, आतिश। Will you shut up? Anyways, तो रिपोर्टर जूली, ऑल द बेस्ट। आज मैं तुम्हें सल्यूट कर रहा हूँ, कल पूरा देश करेगा। थैंक यू। बहुत बड़ा रिस्क ले रही है जूली, वो बंदा है ना आलूवालिया, बहुत शार्प है, पकड़ लेगा। तू चुप कर पनौती, जब देखो बीच में टांग अड़ाता रहता। तू बस गाड़ी चला, समझा? और चुप रह। और हाँ, डिस्टेंस का ध्यान रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम जूली के साथ हैं। सुना? अच्छा बदला ले रहा है ना तो जूली से, उसके डिच का। मालूम मेरे को, अभी तू पलटी मारने वाली बात कर रहा, समझा ना? मेरे को मत बता क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को सब मालूम है। टोनी अहलूवालिया की तुम रख, अभी फोन रख। सब वो आ गई, वो जलपा भंडारी जी। हेलो आतिश, ये आतिश आम है। आतिश, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ होगा तो नहीं ना? अरे अरे, कुछ नहीं होगा, जो मैंने कहा है सिर्फ उसी पे ध्यान दो। जूली, ऑल द बेस्ट जूली। ओके। वो लड़की आ गई जी। हाय। हेलो सर। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। वॉल्यूम नहीं आ रहा, अरे फ्रीक्वेंसी चेक कर यार। हाँ चेक करो, देख आया? कम बेबी, कम ऑन। अरे यार तुम लेवल 4 पे रख। अभी देख आ रही? हाँ ओके ओके, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेलकम टू माय गरीब खाना। गरीब खाना? आप इसे गरीब खाना बोल रहे हो? दिस इज नॉट गरीब खाना, दिस इज अ पैलेस। काम काम काम। आतिश यार, ये गाड़ी तो कहीं देखी है, कहीं है? अरे यार तू गाड़ी वाड़ी सब छोड़, देख ऑडियो का वायर फिर से निकल गया, उसे लगा। ठीक आया? थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा। कामयाबी के रास्ते इतने आसानी से कहाँ मिलते हैं, उनके लिए तो काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। बैठो सेट। सर, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, अगर आप मुझे एक चांस दे दें अपनी आने वाली फिल्म में। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वैसे टैलेंट तो तुम में कूट कूट कर भरा हुआ है, बोलो क्या लोगी?
कुछ भी। आई लाइक इट, कुछ भी। Drink, baby. Cheers. Lovely. Wow, nice painting. Germany. You like it? It's a gift from my side. Oh, thank you. Thank you so much. Magar, I like you, baby. You are very beautiful. तुम मुझे इसके बदले में क्या गिफ्ट दोगे? जो आप कहें। I like it. Please, please टोनी जी। ये साला तो सीधा फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर में आ गया। अरे तो अपने लिए तो अच्छा है ना? टोनी की असलियत तो पता चलेगी। देखो बेबी, टोनी अहलूवालिया को ना अपने पैसे वेस्ट करना अच्छा लगता है और ना ही अपना टाइम। तुम्हें अगर मेरी अगली फिल्म में काम करना है तो तुम्हें प्राइवेट ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा। कम ऑन टोनी, कम ऑन, दिखा अपनी औकात। बेचारी जूली, आई होप उसे कुछ ना हो यार। अरे कुछ नहीं होगा यार। बोलो, क्योंकि एक एक्टर को शर्म और हया घर पे छोड़ के आना चाहिए। यू हैव टू एक्सपोज योर फीलिंग्स, इमोशंस। टोनी जी, प्लीज प्लीज लीव मी। तुम्हें हीरोइन छोड़िए मुझे। हीरोइन बनना है कि नहीं बनना है? छोड़ो मुझे। मेरी अगली फिल्म में आतिश, आतिश मेरी अगली फिल्म में हीरोइन बनना है। कैमरा? कैमरा नहीं, तेरा डियर टोनी अहलूवालिया। आज तक तूने बहुत सारी लड़कियों का शिकार किया ना, लेकिन आज तू शिकार बना है हमारे स्टिंग ऑपरेशन का। तुझे क्या लगा मैं कोई स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ? मैं खलबली न्यूज टीवी की रिपोर्टर जूली हूँ और आज पूरी दुनिया के सामने तुझे एक्सपोज करने आई। कमीनी, तू मुझे एक्सपोज करेगी? मैं अभी दिखाता हूँ तुझे। ओ, मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़ो मुझे। प्लीज छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। आदेश, आदेश। उस टोनी की तो मैं, लेकिन तो मैं भी चलता हूँ जूली को। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी में इतना सारा जरूरी सामान है, हम दोनों में से एक को यहाँ रुकना होगा। बस तू ऑडियो सुन, समझा? आतिश, करेगी तू टोनी अहलूवालिया की शूटिंग करेगी तू? मिसेज अहलूवालिया, मैं समझता हूँ कि आपके पति ये मानने को तैयार नहीं कि हत्या उन्होंने की है। आश्चर्य की कोई बात नहीं है, अपराधी कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। तो ये जो फाइल उनकी कह रही है, जिस पुतले से खलबली टीवी के उस जर्नलिस्ट जूली के सर पे घाव दिया गया, उस पुतले पर आपके पति देव की उंगलियों के निशान है और जूली के स्टिंग कैमरा में ये पूरा वाक्य रिकॉर्डेड है। तो फिर आपके पति की जो बहुचर्चित आदत है महिलाओं के साथ, समझ आता हूँ। छोड़िए, मुझे नहीं लगता इस केस में कुछ हो पाएगा। जानती हूँ, लेकिन बावजूद इसके टोनी जी ने कहा है कि सिर्फ एक बार आप जाकर उनसे मिल लीजिए, फिर ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस केस को लेना चाहते हैं या नहीं। ऐसा टोनी जी ने
मुझसे कहा है। आप क्या कहती हैं? जी निशाता, आपकी क्या मान्यता है, क्या लगता है आपको आपके पति के बारे में, निर्दोष है? आप मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं? आज तक मुझसे कभी किसी ने मेरी राय नहीं पूछी, यहाँ तक कि टोनी जी ने तो मेरी सोच पर भी रोक लगा दी थी। मेरी राय तो यही है कि टोनी जी चाहे कितने भी अय्याश क्यों ना हो, मतलब उन्होंने मुझे बार बार धोखा दिया, मानती हूँ, लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने आज तक कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मतलब मुझ पर तो क्या, वो कभी किसी के साथ भी हिंसक नहीं हुए, इतना तो मैं कह सकती हूँ। मेरी राय यही है कि टोनी जी बेगुनाह है। Ah, here comes KD Pathak. I'm glad that you made it. ये बेवकूफ औरत तो मुझे उस एडवोकेट अनिल खुराने के पास ले जा रही थी मेरा केस लेकर। But I said no, no, no. अगर मेरा केस कोई लड़ेगा तो वह ग्रेट KD Pathak. KD, name your price. ब्लैंक चेक बनाकर दे सकता हूँ। ब्लैंक चेक से पहले आपको मुझे आश्वासन देना होगा कि हत्या आपने नहीं की। अरे मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ केडी, मैंने उस लड़की को नहीं मारा, इनफैक्ट मैं विक्टिम बना हूँ उनके स्टिंग ऑपरेशन का। अरे बाहर उनकी पूरी वैन खड़ी थी, अपना चैनल चलाने के लिए ये हम प्रोड्यूसर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शिकार बनाते हैं। सर, जिस समय जूली की हत्या हुई उस फार्म हाउस में आप अकेले थे, उस ट्रॉफी पर आपकी उंगलियों के निशान है, ये पूरा दर्ज किया गया है उस स्टिंग ऑपरेशन के कैमरा में। हाँ मैं घर पे था लेकिन मैं किचन में था। आई मीन मैं बताता हूँ, मैं पूरा किस्सा बताता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था उस रात को। ये लड़की उठ, मर गई क्या? बड़ी आई थी मुझ पे करने के लिए, मुझ पे स्टिंग करेगी। कैमरा स्टिंग करेगी मेरे पे? मेरा स्टिंग करेगी तोड़ ताड़ के? हेलो मुनीर, तू अंदर आ किचन में। अरे इस लड़की ने इसने पंगा कर दिया। ठीक है साहब, अभी मैं आ रहा हूं। ये लड़की तो मेरी लाइफ, मेरे करियर, मेरी जिंदगी का पंगा कर देती, बैंड बजा देती। अरे मुनीर साहब ये, अरे मुझ पे स्टिंग करने आई थी समझा, लेकिन मैंने भी उसको ऐसा मजा चखाया कि याद रखेगी। जा इसे गाड़ी में उठा के कहीं फेंक किया, लेकिन हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ फॉर्म हाउस पे आई थी। अरे फिकर मत कर, मैंने इसका सारा कैमरा वैमरा सब तोड़ दिया है, और हाँ किसी को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। जा जल्दी कर इसको उठा के फेंक के आ गई, जल्दी कर। सर, सर ये क्या हुआ सर? मैंने इसे नहीं मारा यार, इसे किसने मारा? सर मैं 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूं, कई सुपरहिट फिल्म्स बनाई है मैंने, इमेज है मेरी, नाम है मेरा, रिस्पेक्ट है। ठीक है मैं मानता हूं कि लड़कियां मेरी थोड़ी कमजोरी हैं, लेकिन इतना घिरा और घिनौना काम मैं नहीं कर सकता कि किसी का खून कर दूं। अरे फैमिली है मेरी सर। मिस्टर आलूवालिया, इससे पहले कि अपने डायलॉग को बोलकर और लंबा खींचे, मैं बतौर डायरेक्टर कट कह देता हूं, और कंटिन्यूटी के लिए आपको इससे पिछला सीन दिखाना नहायत ही जरूरी समझता हूं, जिसको देखकर आपको अपना अगला डायलॉग बोलना है। योर ऑनर, जिस कैमरे को इन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी, बदकिस्मती से उसकी चिप सलामत रही। Yeah.
योनर, अपना पर्दाफाश होते देख, इन्होंने अपनी ट्रॉफी को गुस्से में आकर उस लड़की के सर पर दे मारा। उसके बाद उसका कैमरा तोड़कर उसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले आपके ड्राइवर ने पुलिस को फोन करके आपको पकड़वा दिया। मिस्टर आलूवालिया, ये था आपका पहले का सीन। अब आपको आगे डायलॉग बोलना है। क्या बोलना है वो भी मैं बताता हूं। बोलिए, मैंने जूली मिश्रा को मारा है, मैं डर गया था। बोलिए। अवत्रवाणी जी, मैं बोलूं अगर आपको आपत्ति ना हो तो? क्यों नहीं, प्रोड्यूसर तो हैं और फिर इस अदालत के असली हीरो तो आप ही। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो अवत्रवाणी जी ने अदालत में ये जो फुटेज हमें दिखाया है, इसमें मैंने कहीं पर भी टोनी जी को उस ट्रॉफी से जूली को मारते हुए नहीं देखा। चलिए अवत्रवाणी जी की खुशी के लिए मान लेते हैं कि मारा। मारने के बाद तुरंत इन्होंने कहा इस फुटेज में कि ये लड़की उठ मर गई क्या? कोई किसी को मारने के बाद में ये प्रश्न क्यों करेगा? अपनी ही क्रिया पर प्रतिक्रिया। मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छी तरह से समझ सकता हूं। केडी साहब, हुआ यूं कि मिस्टर आलूवालिया ने अपने क्रोध के आवेग में आकर ये ट्रॉफी तो लड़की के सर पर दे मारी, लेकिन अपने इस एक्शन के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके हाथों से यह हो क्या गया है। उस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में उनका रिएक्शन, ये लड़की मर गई क्या, उठ, इस उम्मीद में कहीं सच में उनके हाथों इस लड़की का खून तो नहीं हो गया। ये थ्योरी है आपकी, लेकिन इस थ्योरी का कुछ ऐसे मुझे दिखाई नहीं दिया इस फुटेज में। क्यों चलाया था आपने ये फुटेज? कैमरे को भूल जाइए। अच्छा, भूल जाओ, भूल गया, चलिए। योर ऑनर, पुतले पर उंगली के निशान मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस फार्म हाउस में तीसरा कौन था? ड्राइवर और सिक्योरिटी तो फार्म हाउस के बाहर थे, जूली का क्रू गेट के बाहर था, फिर तीसरा कौन था? योर ऑनर, सर्वप्रथम तो अवार्ड जो है वो टोनी जी का है, तो स्पष्ट है कि इनकी उंगलियों के निशान अवार्ड पर होंगे ही। और द्वितीय, अवत्रमाणी जी जो कह रहे हैं कि अंदर तीसरा कोई नहीं था, तीसरा था योर ऑनर मुनीर, इनका ड्राइवर। हाँ साहब, मैं बंगले के बाहर गाड़ी चमका रहा था जब टोनी साहब ने मुझे फोन मारा और बोला कि जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं फौरन अंदर चला गया। उस समय तो घर का मुख्य द्वार बंद था, तो आपने प्रवेश कैसे किया अंदर? साहब, वो मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी। अच्छा, फिर? फिर क्या, मैंने सामने उस लड़की की लाश देखी और टोनी साहब को किचन से आते हुए देखा, जहां पर उसके कैमरे को तोड़कर फेंका था उसके मरने के बाद। हाँ साहब, लड़की तो मरी हुई थी, मैं तो बाद में गया। नहीं, एक मिनट, आपने कहा टोनी साहब रसोई घर से बाहर आ रहे थे, तो हुआ ये था वास्तव में कि आप गए अंदर, आपने उस लड़की के सर पर वो ट्रॉफी दे मारी, और जब आपने टोनी साहब को रसोई घर से बाहर आते हुए सुना, उनके कदमों की आहट सुनी, तब आपने ट्रॉफी अपनी जगह रख दी और वहां से पीछे अपनी जगह हो गया, और ये जताया कि तभी आपने प्रवेश किया था। ऐसा क्यों करूंगा साहब? अबे क्या क्यों, इस प्रश्न का उत्तर इस समय मेरे पास नहीं है। हत्या का उद्देश्य तो मैं पता लगा करी, लेकिन जो परिस्थितिक परिदृश्य है वो बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। यानी कि ऐसा नहीं हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। अब मुनीर का उस लड़की के साथ क्या लेना देना जिसकी वजह से उसे मारेगा? लेना देना तो एक और व्यक्ति का है मुनीर जी, जो वहाँ थे, संभवतः तो सुन रहे थे कुछ अपने कानों में, जिनको आके जूली को बचाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता था किंतु हुआ नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ योर ऑनर, मैं मिस्टर आतिश गावरी को कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूँगा। अनुमति है तो आतिश जी, जब जूली जी ये मिस्टर आलूवालिया पर स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी, आप कहाँ बाहर थे? गाड़ी में वार्तालाप सुन रहे थे उनकी जी। तो गाड़ी और बंगले में कितना फासला था, कितना अंतर था?
सर यही कोई तकरीबन 100 मीटर। ये जो भी होगा, तो आप ये वार्तालाप सुन रहे थे और जैसे ही आपने सुना कि मिस्टर आलूवालिया को भनक लग गई है जूली के स्टिंग ऑपरेशन की और वो क्रोधित हो गए और वो हमला करने वाले हैं जूली पर, तब आप क्या क्या किया तब उस समय आपने? आप बचाने गए अपने जी जूली को, क्या कितना क्या कहा था, कितनी दूरी थी आपके और बंगले के बीच, गाड़ी और बंगले के बीच? सर तकरीबन 100 मीटर। तकरीबन 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी। 100 मीटर की दूरी अगर उसैन बोल्ट तय करते तो 10 ही सेकंड में तय कर लेते, आपको असंभवतः समय ज्यादा लगा होगा। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 4 मिनट। नहीं सर वो मैं अंदर, आपकी दोस्त जूली की हत्या हो रही थी या हत्या होने वाली थी और आपको बचाना चाहिए था उन्हें, किंतु आप वहाँ गाड़ी से उतरकर अपने साथी विपुल को वहीं रोककर आप तो दौड़े लेकिन बंगले तक पहुँचे नहीं। कहाँ चले गए थे आप, कहीं और चले गए थे? सर मैं वहाँ पहुँचा था खिड़की पर। एक्चुअली हुआ ये था कि एक मिनट, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप वहाँ से अंदर आए बंगले की ओर भागे तब गेट पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था? जी सर वहाँ कोई नहीं था और गाड़ी के पास कोई वाहन चालक ही नहीं था। अगर होता तो मुझे रोकता तो सही। मुनीर भाई आप तो कह रहे थे कि आप वहीं थे, गाड़ी चमका रहे थे, लेकिन ये थे नहीं वहाँ। जी आपका कहना है कि नहीं थे? जी सर उनका कहना है कि वो थे वहाँ। हाँ फिर खैर, फिर सर मैं सीधा बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ा, देखा तो दरवाजा लॉक था। और भी विचित्र बात है, अब मुनीर ने ही कहा है कि इन्होंने स्वयं दरवाजा खोला था, आप कह रहे हैं कि दरवाजा बंद था, वो कह रहे हैं खुला था, आप कह रहे हैं बंद था, फिर मैंने सर टोनी के घर में घुसने का दूसरा रास्ता ढूंढा, पीछे की तरफ गया तो एक खिड़की खुली थी। सर मतलब हमारा स्टिंग ऑपरेशन फेल। फिर सर एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने सोचा अगर मैं जूली को बचाता हूँ और इस टोनी से हाथापाई करता हूँ तो सर जूली तो बच जाएगी लेकिन इसका क्या होगा। अच्छा, और सर मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके इसको सजा दिलाना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना स्टिंग ऑपरेशन जारी रखूंगा, जो काम जूली ना कर सकी अब वो मैं करूंगा और मैं अपने कैमरे से इसे रिकॉर्ड करूंगा, देखूंगा कि ये किस हद तक जाता है। आप स्वयं कह रहे हैं कि आप अपनी दोस्त जूली की सहायता नहीं कर पाए क्योंकि आप इन्हें पकड़ना चाहते थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फिर आप कह रहे हैं कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। क्या रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की आपने? नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस चाहता था कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं और इसे रंगे हाथों पकड़ूं। आखिर सर अगर वो जूली के साथ कुछ बदसलूकी करता, कुछ बदतमीजी करता तो मैं 2 मिनट में कूद के वहां पहुंच जाता। आखिर सर हम दोनों के बीच में फासला सिर्फ 10 कदम का था। तो ठीक है, तो आपने अपनी दोस्त जूली की सहायता नहीं की क्योंकि आप इन्हें रंगे हाथों एक्सपोज करना चाहते थे, कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? वो रिकॉर्डिंग बता दीजिए तो क्या इनकी कहानी भी साफ हो जाएगी, आप पर जो शक की सुई अटकी है वो भी हट जाएगी ना, हम सब का काम आसान हो जाएगा। कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? एक्चुअली सर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। नहीं नहीं अभी तो आपने कहा कि आपने अपनी दोस्त जूली की सहायता नहीं की क्योंकि आप इन्हें पकड़ना चाहते थे, इन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग नहीं की का अर्थ क्या? सर मैं रिकॉर्ड करने ही वाला था, एकदम से मुझे किसी के बंगले में आने की आहट सुनाई थी और मैं घबरा गया। मतलब किसी और व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को, नए पात्र को आते हुए देखा? जी सर। किसको किसको? सर दीपक मथानी। कहलबली न्यूज टीवी के सीनियर रिपोर्टर और मेरे और जूली के सीनियर। अच्छा तो ये आपके साथ वहाँ वो स्टिंग ऑपरेशन में साथ दे रहे थे आप? नहीं नहीं सर ये साथ नहीं थे। तो फिर क्या कर रहे थे ये बंगले पर? सर यही सोचकर मैं हैरान था कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। सर मैं घबरा गया और मैं उनसे बचने के लिए नीचे बैठ गया और यही कोई तकरीबन 5 मिनट बाद जब मैंने देखा तो सर मैंने सीधा पुलिस को फोन लगाया
और सर ये बात तो जाहिर है, अगर मैं पुलिस को फोन लगाऊंगा तो सर मैंने नहीं मारा जूली को। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ है कि हत्या करने के बाद में पुलिस को इत्तला करता है ताकि शक की सुई उस पर ना जाए। एक और बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब ये दीपक जी आपके सीनियर थे तो आप दीपक जी से छिप क्यों रहे थे? छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए कि आपने स्वयं क्या किसी को जूली की हत्या करते हुए देखा? नहीं सर, लेकिन हाँ मैंने दीपक मथानी को बंगले के दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा था। हो सकता है कुछ गड़बड़ रही हो उनकी जूली के साथ, हो सकता है उन्होंने की हो हत्या जूली की, हो सकता है, संभव है, संभव है योर ऑनर, संभव है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये जूली से बहुत चिढ़ते थे, उसकी कामयाबी से बहुत चिढ़ते थे। दीपक जी जूली की कामयाबी से चिढ़ते थे? अगर आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो आप मेरे असिस्टेंट विपुल से भी ये बात पूछ सकते हैं। हाँ सर, आतिश का कहना सही है, उस रात दीपक वहीं थे टोनी जी के बंगले पर, इनफैक्ट मैंने तो उनकी गाड़ी भी देखी थी। सर दीपक और जूली में टेंशन था, पर उतना टेंशन नहीं था जितना आतिश और जूली के बीच था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आप न्यूज़ वालों की तकलीफ ही ये होती है, हर बात को घुमा घुमा कर बोलते हो। आतिश का कहना है कि दीपक और जूली के बीच में टेंशन था, आप कह रहे हो कि दीपक और जूली के बीच में टेंशन था लेकिन इतना नहीं था जितना आतिश और जूली के बीच में था, मतलब क्या आपको किस पर डाउट है? मेरा डाउट आतिश पर ही है। क्यों? एक साल पहले जूली और आतिश कपल थे, फिर जूली ने पता नहीं क्यों आतिश को छोड़ दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। मुझसे अक्सर कहता था कि देखना एक दिन वो जूली से इस बात का बदला लेकर रहेगा। कमीने, तू मुझे ही पता है। डरता नहीं हूँ तुझसे। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया, जूली मेरी भी दोस्त थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। आपका ये कहना है कि हो सकता है आतिश ने मारा हो जूली को? हाँ सर, तभी तो इसने मुझे रोका, क्योंकि ये खुद अकेले जाकर जूली को मारना चाहता था अपने ठुकराए हुए प्यार का बदला लेने के लिए। अब आतिश का ये कहना है कि हो सकता है दीपक ने मारा हो जूली को, हो सकता है कि दीपक ये कहे कि आपने मारा है जूली। अब सुन लेते हैं ना एक बार दीपक जी को क्या कहना है। कहना क्या? ये दोनों झूठ कह रहे हैं, मैं उस रात वहां था ही नहीं। उस रात आप वहां थे ही नहीं? जी नहीं। देखिए दीपक जी, क्या है, पुलिस को वहाँ टोनी साहब के बंगले के बाहर चार गाड़ियों के टायर के निशान मिले। स्वाभाविक है कि एक टोनी जी की अपनी गाड़ी है, दूसरी जूली की गाड़ी जो वहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने गई थी, तीसरी वो वैन जिसमें आतिश और विपुल थे, चौथी गाड़ी जो थी क्या नंबर था गाड़ी का, MA02K993 क्षमा कीजिएगा, आप ही की गाड़ी का नंबर है। कहीं आप तो थे नहीं वहाँ, तो गाड़ी चोरी हो गई थी क्या आपकी, या किसी को दिया था आपने उपयोग करने के लिए? आप तो थे नहीं वहाँ, आपकी गाड़ी वहाँ? ओके ओके ओके, आई एडमिट, मैं उस रात वहाँ पर था। इनफैक्ट मैं शुरू से ही आतिश और जूली का पीछा कर रहा था। लेकिन जानकारी के अनुसार तो आप उस स्टिंग ऑपरेशन पर काम नहीं कर रहे थे, तो क्या आप जूली और आतिश के स्टिंग ऑपरेशन पर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मैं खलबली टीवी में जूली से 6 साल सीनियर था, लेकिन जब से जूली वहां पर आई थी सारे टॉप असाइनमेंट्स उसी को मिल रहे थे और सारे बेनिफिट्स भी। बुरा हुआ आपके साथ तो, पर फिर भी उत्तर नहीं मिला मुझे, पीछा क्यों कर रहे थे? उसने मुझे साइडलाइन कर दिया था, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि जूली इस बार क्या कर रही है, लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा कि उसकी मौत हो चुकी है तो मैं घबरा कर वहां से भाग गया। झूठ बोल रहे हो तुम ही ने मारा है उसे। मिस्टर आतिश, इनफ, आपको जो कुछ भी कहना है कटघर में आके कहिए। सर ये दीपक एक नंबर का कमीना इंसान है सर, इसने कई बार हमारे असाइनमेंट्स को सबोटाज करने की कोशिश की, और एक बार इसने हमारे सारे रिसर्च पेपर्स तक जला दिए थे, और सर दूसरी बार जिस नेता पर हम स्टिंग करने जा रहे थे उसे पहले से वार्न कर दिया, और सर इसी ने उस रात जूली के प्लान का सबोटाज किया उसकी जान लेकर। कहना आसान है लेकिन केडी साहब, क्या मैं इसे चंद सवाल कर सकता हूं? आइए प्लीज। थैंक यू। आतिश ये बताओ मुझे, ये जो कैमरे पर
ट्रॉफी लेके जो आदमी जा रहा है जूली को मारने के लिए, वो किसके हाथ है? सर टोनी के। और ट्रॉफी पर उंगली के निशान किसके हैं? टोनी के। अच्छा ये बताओ, ये जो जूली के नाखूनों के खरोंच के निशान जिसके हाथ पर है वो? सर टोनी के। उन्हें नहीं? नहीं सर। अच्छा सबसे ज्यादा खौफ जूली से किसको था तुम्हें? दीपक को, मुनीर को या सर टोनी को? अच्छा तो फिर जूली को मारा किसने? सर टोनी ने ही उसे मारा। टोनी आहलूवालिया ने। योर ऑनर, इस आदमी की फितर शुरू से ही खराब थी, इसके लक्षण शुरू से ही खराब थे। अब जिस किसी को भी पूछोगे वो यही कहेगा कि ये आदमी की फितरत बहुत घटिया है। टोनी साहब हर हफ्ते किसी ना किसी लड़की को अपने फार्म हाउस पे बुलाते थे साहब, और अक्सर मैंने उन्हें उनके साथ, ऐसे बोलते हुए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा साहब, मगर जबरदस्ती ये सब करते थे। कई बार तो मैंने इनको धमकाते हुए भी देखा है उन्हें, कि अगर उन्होंने बाहर जाके कभी मुंह खोला तो बर्बाद कर देंगे उन्हें। सब मैं गरीब आदमी जरूर हूँ, मगर इतना मालूम है कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, इज्जत, जो कि इस आदमी ने कभी नहीं की। दरिंदा आइए, दरिंदा। नमक हराम, इसी दरिंदे ने तेरे बच्चे की फीस भरी थी जब तुझे पैसे की जरूरत थी, सब भूल गया साले। तुम्हारी क्या राय है इनके बारे में? साहब हम इनके ड्राइवर हैं, और इनका आधे से ज्यादा राज तो हमें पता है कि किस लड़की को कहां से पिकअप करना है, किस लड़की को किस होटल में ड्रॉप करना है, किसे कितने पैसे देने हैं और किसे कैसे धमकी देनी है। लड़की के लिए तो ये किसी हद तक गिर सकता है, और अगर इसका नहीं सुने तो इसी ने जूली को मारा है साहब। बीस साल से सांप पाल रहा था मैं मुनीर, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपकी राय आपके पति के बारे में क्या है? योर ऑनर, मैं यहां आई तो थी अपने पति का साथ देने, लेकिन जब देखा कि इनका अपना ड्राइवर, इनकी सिक्योरिटी इनकी असलियत नहीं छुपा रहे हैं, तो मैं क्यों चुप हूं, जबकि इनकी हैवानियत का सबसे बड़ा शिकार तो मैं हूं। अगर आज मैं सर उठाकर नहीं बोली तो लानत है मेरे औरत होने पर। ये आदमी सिर्फ नाम के ही पति हैं मेरे, इतने सालों से इनके अय्याशियों को बेबस होकर देखा है मैंने, और कुछ कर ना सकी। मुझे एक नौकरानी से बदतर दर्जा दिया है इन्होंने, और जो इंसान अपनी पत्नी का सम्मान न कर पाए वो भला किसी और औरत का क्या सम्मान करेगा। आज पहली बार इस अदालत में मैं कहती हूँ, मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि जूली को मेरे पति ने ही मारा है, Order. Silence in the court, please. ये जानवर था, है और रहेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वह भरी अदालत में मैंने अपने पति के बारे में इतना सब कुछ कह दिया। शायद इतने सालों का तबा गुस्सा एक साथ उमड़ा। जो भी है, जैसे भी हैं, आखिर है तो मेरे पति, मेरी इस नादानी से उनका केस और बिगड़ जाए। केस तो बिगड़ गया है, किंतु केवल आपके कारण नहीं, आपके पति के जो सुरक्षा कर्मी थे, उनके वाहन चालक थे, दोनों का कथन उनके विरुद्ध है।
हत्यास्थल पर जो सुराग हमें मिले थे उसका अर्थ हम तक ढूंढ नहीं पाए। मुझे तो ड्राइवर मुनीर और सिक्योरिटी गार्ड खड़क सिंह पर शक है। शायद पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने जूली को मारा। हाँ, हो सकता है उन दोनों में से कोई हत्यारा हो। ये भी हो सकता है कि खलबली टीवी का कोई व्यक्ति आपसी मतभेद के कारण उसने हत्या की हो, दीपक या विपुल या आतिश। ये भी हो सकता है आहलूवालिया के आपके पति ने हत्या की हो। कमीने, मैं तुझे अपना चेला समझता था, सब कुछ सिखाया तुझे, सब कुछ। और तूने अदालत में जूली के मर्डर के लिए मुझे ही फंसा दिया। फंसा नहीं रहा था, जो मुझे लगा वही का चल मुझे। तब समझ में आ रहा है मुझे कि तुझे क्या लगा। साफ साफ क्यों नहीं बोल देता कि तू भी जूली से प्यार करता है। इसीलिए तुम मुझसे शुरू से चिढ़ता था, और आज तूने मुझसे वो बदला ले लिया। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, समझा? हमेशा अपनी औकात में रहना वरना खाल खींच लूंगा तेरी, समझा? तो गाड़ी किसके लिए साफ कर रहा है? टोनी जी तो गए 14 साल के लिए बनवास। स्नेहा मैडम कह रही थी कि ये गाड़ी अब वो खुद रखेंगे। मैडम जी की ऐस है, टोनी जी जेल में और मैडम जी खुली हवा में ऐसा उड़ेंगी। हाँ पता नहीं, आज सुबह सुबह मैडम फार्म हाउस क्या लेने आई थी। वैसे तो ये कभी आते नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ से एक बात याद आई खड़क सिंह। क्या? जिस रात उस लड़के का मर्डर हुआ था तुम तो अपनी जगह पर नहीं थे। तू था अपनी जगह? मनीर जी, मैडम ये बैग गाड़ी में रख दो। हेलो, सोचा कि एक बार सोचा एक नजर मार लूं, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। जी क्यों नहीं, खड़क सिंह है यहाँ पर, वो आपको घर दिखा देगा। थैंक यू। आप माफ कीजिए, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। जब इनका काम हो जाए तो घर लॉक कर देना।